रिमूविंग योर फेशियल हेयर द मिथ्स आपके टाइप ऑफ फेशियल हेयर प्लीज डू नॉट यूज द टर्मिनल हेयर जो कि आपके डार्कर और डिग्री पे इसको रखना है प्रेफरेबली आप रात में शेव करें हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सो आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है स्पेशली लड़कियों के लिए क्योंकि जब से मैंने इस चीज़ के बारे में अपनी एक दो वीडियोस में बात की है सो मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं कि आप प्लीज़ अपनी फेशियल हेयर की रूटीन शेयर करें या आप स्टेप बाय स्टेप शेयर करें आप किस तरह करती हैं सो इस वीडियो में मैं आपके साथ ए टू जेड हर चीज़ शेयर करूँगी अबाउट रिमूविंग योर फेशियल हेयर या फेस शेविंग के बारे में हर चीज़ शेयर करूँगी द मिथ्स आपके टाइप ऑफ फेशियल हेयर उसके बाद आपकी आफ्टर केयर और जो है इसके बेनिफिट्स भी आपको बताऊंगी एंड एवरीथिंग सो मेक श्योर आपने वीडियो को एंड तक देखना है सो नंबर वन पे आ जाता है आपने जो फेशियल रेजर यूज़ करना है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक आई नो सम ऑफ माई फ्रेंड्स और कुछ लोगों को मैं जानती हूँ जिन्होंने अपने फेस के हेयर रिमूव करने के लिए ये यूज़ किया प्लीज़ डू नॉट यूज़ दिस दिस इज़ नॉट फॉर द फेस दिस इज़ फॉर द फेस सो अगर आपने फेशियल हेयर रिमूव करने हैं ये वाला रेजर मिलता है दिस इज़ द टिंकल रेजर द वेरी फेमस आपको दराज में मिल जाएगा हर मार्केट में अवेलेबल होता है बहुत सस्ता टिकाऊ के बाद लेट्स टॉक अबाउट फेशियल हेयर के टाइप्स हमारे जो फेशियल हेयर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं कुछ लोगों के सिर्फ पीच फज होता है पीच फज इज बेसिकली जो आपके बहुत छोटे छोटे लाइट कलर के बाल होते हैं जो कि ऑनेस्टली ना नजर आने के बराबर होते हैं बट ऑब्वियसली फील होते हैं आपके स्किन पे उसके बाद आ जाता है टर्मिनल हेयर जो कि आपके डार्कर और थिकर हेयर होते हैं सो ये दोनों ही बाल इनका ऑब्वियसली कोई ना कोई रीज़न है अगर ये हमारी स्किन पे हैं जैसे कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को जैसे डिज़ाइन किया है हमारी बॉडी पे फेशियल हेयर हो जाए या बॉडी हेयर हो जाए उनका कोई ना कोई पर्पस है सो इनका भी पर्पस ये है कि ये दोनों ही तरह के बाल जो हैं आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करते हैं और आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं उसके बाद बात कर लेते हैं फेशियल हेयर मिथ्स के बारे में सो जनाब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल और आई नो मुझे भी ये कन्फ्यूजन थी पहले जब मैं यूज़ नहीं करती थी कि भाई हमारे जो बाल हैं वो ज़्यादा उनकी ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी हमारे बाल ज़्यादा थिक आएंगे तो इसका जवाब है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता आपकी जो फेशियल ग्रोथ है जो टेक्सचर है जो लेंथ है या जो विड्थ है बालों की वो आपके जेनेटिक्स और हॉर्मोन्स पे डिपेंड करती है उसका इससे कोई लेना देना नहीं होता मे बी कुछ लोगों को हॉर्मोनल इश्यूज़ की वजह से भी जो है उनकी फेशियल हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है उनके बाल थिक होते हैं बट मेरे केस में ऐसा नहीं है और ना ही मुझे ऐसा कोई इसका रिएक्शन हुआ है या कोई मसला हुआ है कि मेरे बाल ज़्यादा ग्रो हो गए हों उसके बाद हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स की जो कि लिटरली देर आर न्यूमरस बेनिफिट्स सबसे पहले तो ये आपका फिजिकल एक्सफोलिएटर की तरह काम करता है इट रिमूव्स द डेड स्किन और आपकी ड्राई स्किन को रिमूव करता है आपकी स्किन को एक स्मूथ कैनवस की तरह बना देता है जिसके बाद आपकी स्किन केयर और मेकअप जो है वो आपकी स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है क्योंकि ये एक तरीके का बैरियर बन जाता है जिसकी वजह से आपको शायद इतना स्किन केयर का भी फायदा नहीं हो रहा होता बिकॉज वो ऑब्वियसली आपकी स्किन केयर जो है वो पेनिट्रेट नहीं हो रही होती उतने अच्छे से उसके बाद जो है ये आपकी स्किन में एक बहुत मज़े का ग्लो लाता है उसके बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये लेस एक्सपेंसिव है पेनलेस है स्पेशली फेस के ऊपर आई डोंट नॉट रिकमेंड कि आप अपने फेस को वैक्स कराएं क्योंकि उससे ही होगा आपकी स्किन लूज हो जाएगी एक टाइम पे और ड्रूपी हो जाएगी सो प्लीज़ अपनी फेस को वैक्स ना कराएं उससे बेहतर है आप ये करवा लेंगे अगर आप हेयर लेज़र करा सकते हैं दैन डेफिनेटली गो विद दैट बट ऑब्वियसली हर कोई नहीं करा सकता सो दिस इज़ द बेस्ट मेथड और बहुत ही एक सस्ता भी है सो दैट्स इट और अब बताती हूँ मैं आपको आगे कि इसको हमने कैसे करना है और इसकी आफ्टर केयर भी बताती हूँ सो फर्स्ट थिंग जो आपने करनी है वो आपने अपना रेज़र लेना है और ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ ऑलवेज आपने इसको अल्कोहल पैड से अच्छे से इसको क्लीन कर लेना है ताकि इसका ब्लेड के ऊपर कोई भी बैक्टीरिया ना हो और मेक श्योर करना है कि अच्छे से क्लीन हो जाए इसको आपने पहले भी क्लीन करना है और शेविंग के बाद भी आपने इसको क्लीन करना है सेकेंड स्टेप इस
टू अप्लाई अ मॉइस्चराइजर. आप ड्राई भी कर सकते हैं, बट जिन लोग की स्किन सेंसिटिव है उनको मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप ड्राई फेस पे करें, बिकॉज माई स्किन इज सेंसिटिव तो उससे मुझे इरिटेशन होती है. सो ऑलवेज आप कोई ऑयल भी यूज कर सकते हैं, फेशियल ऑयल, कोई सिरम यूज कर सकते हैं, मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, बट मुझे सबसे बेहतर और सबसे अच्छा ऑप्शन ये एलोवेरा लगता है. सो हम एलोवेरा अप्लाई करेंगे. सबसे पहले आपने अच्छे से अपने फेस को क्लीन करना है, उसके बाद जो है ना आपने इसको अच्छे से अपने फेस को अप्लाई कर लेना है, और अपनी नेक पे भी अगर आप नेक का करना चाहते हैं. मैंने अच्छे से एलोवेरा अप्लाई कर लिया. ऑलवेज आपने 45 डिग्री पे इसको रखना है और अपनी स्किन को ऊपर से टाइट करना है, और फिर आपने नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपने बहुत प्यार से और बहुत हल्के हाथ से आपने अपने फेस को शेव करना है. इससे एक तो आपको कट नहीं लगेगा, जो ब्लेड है या जो रेजर है वो आराम से ग्लाइड होगा और पूरी आपकी डेड स्किन और जितने भी फेशियल हेयर है वो निकाल देगा. एक टिश्यू रखेंगे, उससे आप क्लीन करते जाएंगे इसको साथ साथ. शेव करने के बाद आपने सबसे पहली चीज ये करनी है कि अपने फेस को अच्छे से ठंडे पानी से वॉश कर लें. उसके बाद आप आइसिंग भी कर सकते हैं. समटाइम्स मुझे आइसिंग करना पसंद है, और समटाइम्स आप बस ठंडे पानी से फेस वॉश कर लें सिंपली. और मैं कोई भी मॉइस्चराइज़र नहीं अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मॉइस्चराइज़र भी मुझे इरिटेट करने लग जाता है. सो बहुत ज़्यादा जो है एलोवेरा लेती हूँ और इसको एज अ मास्क रात में अप्लाई कर लेती हूँ, और दैट्स इट जी. अब इसकी आफ्टर केयर की अगर हम बात करें, शेविंग के बाद हो सकता है कि आपकी स्किन थोड़ी सी रेड हो जाए कुछ टाइम के लिए, सो नॉट टू वरी, कोई मसले वाली बात नहीं है. वो सुबह तक आपकी स्किन जो है वो हील हो जाएगी और ठीक हो जाती है थोड़ी देर बाद. उसके बाद कुछ लोगों के अगर फॉर एग्जांपल आपको एक्ने है या आपकी स्किन पे कोई पिंपल्स हैं, तो प्लीज़ आपने तब शेव नहीं करना. उससे आपके पिंपल्स और जो एक्ने है ना वो ट्रिगर हो सकता है. सो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है. आई वुड रिकमेंड कि हमेशा मैं पर्सनली जो शेव करती हूँ वो मैं रात में करती हूँ. आई डू नॉट लाइक टू शेव मतलब सुबह में, या क्योंकि होता ये है कि दोपहर के टाइम हम धूप में जाते हैं और गर्मी भी होती है, और रात में ये होता है कि आपकी स्किन को रिपेयर होने का टाइम मिल जाता है. प्रेफरेबली आप रात में शेव करें. उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपने आफ्टर केयर के लिए करनी है, वो ये करनी है कि आपने सन ब्लॉक अप्लाई करना है ज़रूरी. आप सनलाइट में नहीं जा सकते नेक्स्ट डे. यू नो, आपने रात को शेव किया है और आप अगले दिन सनलाइट में जा रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, या इवन यू नो चूल्हे के आगे जब हम खड़े होते हैं तो आपकी स्किन पे हीट लगती है, उसकी वजह से आपको सनबर्न भी हो सकता है. और कुछ लोग कहते हैं हमें इरिटेशन हो जाती है, सनबर्न हो जाता है, हमारी पिगमेंटेशन वो इसीलिए होती है. सो कभी भी शेव करके आपने डायरेक्ट सन में नहीं जाना, स्पेशली इसके बगैर. सो मेक श्योर कि आपने अपनी सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करनी है. सो दैट्स ऑल. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा. आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन अल्लाह हाफिज़.